दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान भारत देश के इतिहास के एक ऐसे राजा थे कि जिनको दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू राजा के तौर पर जाना जाता है। उस जमाने में राजे और रजवाड़ों का ही राज्य हुआ करता था। तो ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक झटके में ही भारत देश से हिंदू राजाओं का खात्मा हो गया? दोस्तों, हिस्ट्री एंड फैक्ट्स के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। पृथ्वीराज चौहान के बाद हुकूमत मुसलमानों के हाथ में आ गया था और इसके बाद अंग्रेजों के पास, और अंग्रेज भी हिंदुस्तान पर एक लंबे वक्त तक मुगलों का बनाया हुआ सोने की चिड़िया को लूटते रहे। आज भी लंदन में हिंदुस्तान का लूटा हुआ हर कीमती खजाना मौजूद है। पृथ्वीराज चौहान अपने वक्त के एक कुशल योद्धा थे। 12 भाषाओं में महारत हासिल था। आवाज सुनकर लक्ष्य भेद कर सकते थे। दुश्मनों पर रहम करने वाले थे और तो और सिर्फ 13 ईयर की एज में गुजरात के महान भीमदेव को परास्त किया था। यही वजह है कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान को आज भी इतिहास की किताबों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इतना ही नहीं, अभी तक पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी पर बहुत सारी किताबों के साथ साथ टीवी सीरियल और फिल्में भी बनाई जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन सीरियलों और फिल्मों में असल कहानी को तोड़ मड़ोकर अपने इतिहास को पैसा कमाने का एक जरिया बना रखे हुए हैं। बात करें इतिहास की तो 12वीं सदी में लिखी गई एक किताब पृथ्वीराज रसो के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की एक शहजादी जिसका नाम संयोगिता हुआ करता था, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए थे और इस शहजादी से हद से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। बल्कि न सिर्फ मोहब्बत किया करते थे बल्कि जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। मगर दूसरी तरफ संयोगिता का पिता, जो कन्नौज का राजा भी हुआ करता था और जिसका नाम जयचंद हुआ करता था, वह पृथ्वीराज चौहान से बेहद ज़्यादा नफरत किया करता था। इतिहासकारों की माने तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान आपस में दूर के रिश्तेदार भी हुआ करते थे। मगर दुश्मनी की वजह ये था कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान की तेजी से फैलती शोहरत और ताकत से जलता था। इतना ही नहीं, वो पृथ्वीराज चौहान के पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिशें और दुश्मनों की मदद किया करता था। मगर जयचंद के लिए किस्मत की बात यह थी कि वो पृथ्वीराज चौहान से जितना नफरत किया करता था उतना ही ज़्यादा उसकी बेटी पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत किया करती थी। आपको बताते चले कि एक बार संयोगिता के पिता यानी जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा। स्वयंवर एक ऐसी रस्म हुआ करता था कि महल की शहजादी अपने होने वाले शौहर को चुना करती थी, यानी बहुत सारे राजाओं में से वो ऐसे राजा को चुना करती थी कि जिनके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। दोस्तों, स्वयंवर की इस रस्म में जयचंद ने उस दौर में लगभग सभी छोटी बड़ी रियासतों के राजाओं को बुलाया सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। इतना ही नहीं, उसने पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का एक मूर्ति भी बनवाया। उसके बाद जब स्वयंवर का टाइम आया और जयचंद की बेटी यानी संयोगिता पूरी सज धज कर अपने महल में दाखिल हुई तो संयोगिता के हाथ में एक वरमाला थी। संयोगिता की खूबसूरती को देखकर महल में मौजूद हर राजा हैरान था और वो चाहता था संयोगिता के हाथ में मौजूद वरमाला उसके गले में डाल के उसको चुन ले। स्वयंवर के कुछ देर बाद सभी राजा जो वहां पर आए थे हैरान हो गए, क्योंकि संयोगिता ने सारे राजाओं को छोड़कर वरमाला को पृथ्वीराज के मूर्ति के ऊपर डाल दिया, जो मूर्ति जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए बनवाया था। अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर जयचंद उसको सजा दे पाता कि उसके पहले ही पृथ्वीराज चौहान अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ उस महल पर अटैक कर दिया और संयोगिता को अपने साथ लेकर दिल्ली की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ अपनी बेटी को दोबारा हासिल करने के लिए जयचंद ने दिल्ली पर कई बार हमला किया, मगर लाख कोशिश करने के बाद उसे हर बार नाकामी ही हाथ लगा। दोस्तों, जिस दौर में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौर में ही पृथ्वीराज चौहान की सरहद पर एक बड़ी ताकत दस्तक दे चुका था।
एक ऐसी बड़ी ताकत जिसने कुछ ही सालों में दुनिया का एक बड़ा इलाका फतह किया था, बल्कि अपने सामने बड़े से बड़े ताकत को झुकने पर मजबूर किया था, और ये ताकत का नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी दिल्ली की उस गद्दी को भी अब हासिल करना चाहता था कि जिस गद्दी के ख्वाब मोहम्मद गौरी ने बहुत पहले देख रखे थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का पहला मुकाबला 1191 में उस वक्त हुआ कि जब मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले को फतह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया, क्योंकि जाहिर था भटिंडा का ये किला पृथ्वीराज चौहान के रियासत में था। 1191 में होने वाली ये जंग को तराइन की पहली जंग भी कहा जाता है, क्योंकि जिस जगह पर ये जंग हुआ था उस जगह का नाम तराइन था। आपको बताते चले कि इस जंग में राजा पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत बड़ी फौज थी, जिसका आंकड़ा इतिहासकारों के मुताबिक 2 लाख बताया जाता, मगर इसके बावजूद मोहम्मद गौरी की फौज ने शुरू शुरू में पृथ्वीराज चौहान को कड़ी टक्कर दी। मगर जाहिर था कि दूसरी तरफ भी बहादुर राजपूत थे, जिनको उस दौर में बहादुरी की मिसाल माना जाता। लाख कोशिशों के बावजूद मोहम्मद गौरी की फौज पृथ्वीराज चौहान की फौज का मुकाबला ना कर सकी, और एक एक करके गौरी सल्तनत के वजीर और सरदार भागना शुरू कर दिए। इन तमाम कमजोरियों के बावजूद मोहम्मद गौरी लड़ाई के मैदान में डटा रहा, और आखिर में मोहम्मद गौरी के ऊपर तलवार से एक ऐसा वार हुआ कि वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया। ये वार इतना तेज और खतरनाक था कि मोहम्मद गौरी दोबारा उठ न सका। दूसरी तरफ राजा पृथ्वीराज चौहान की फौज, जो लगभग पहले ही जीत चुकी थी, उसने मोहम्मद गौरी का जब ये हाल देखा तो उसको लगा कि मोहम्मद गौरी मर चुका, इसलिए वो भी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वापस लौट आए। मगर कुछ वक्त के बाद जब गौरी सल्तनत के कुछ सिपाही अपने सरदार को ढूंढने के लिए मैदान जंग में आए, तो वो ये देख कर हैरान रह गए कि उनके सरदार यानी मोहम्मद गौरी तो अभी भी जिंदा है। फौरन मोहम्मद गौरी के इलाज के लिए अफगानिस्तान ले आया गया। राजा पृथ्वीराज चौहान से इस हार का मोहम्मद गौरी पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि जाहिर है उस दौर में ये माना जाता था कि मोहम्मद गौरी को कोई नहीं हरा सका। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने गुस्से में आकर एक फैसला किया कि जब तक मैं राजपूतों से अपनी हार का बदला नहीं ले लेता हूँ, तब तक मैं अपने इन कपड़ों को नहीं बदलूंगा कि जिन कपड़ों में मुझे हार मिली है। इसके अलावा रात के वक्त मैं अपनी बीवी का मुंह भी नहीं देखूंगा, साथ ही साथ हमेशा जमीन पर सोऊंगा। इसी बदले की आग में मोहम्मद गौरी ठीक होते ही बड़ी तेजी के साथ एक बार फिर तैयारी शुरू कर, और एक साल की लंबी तैयारी के बाद मोहम्मद गौरी 1192 में एक बार फिर से अपनी फौज लेकर पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले के लिए निकल पड़ा। इस जंग में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और इस जंग में जहां एक तरफ मोहम्मद गौरी के पास लगभग 120,000 की फौज थी, तो वही दूसरी तरफ इतिहास की मशहूर किताब यानी तारीख फरिश्ता की माने तो राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पास लगभग 3 लाख की फौज थी। साथ ही साथ जंग में ऐसे ऐसे हाथी भी थे कि जिनको जंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। आपको बताते चले कि हद से ज्यादा बड़ी फौज होने की वजह से राजपूत फौजी जोश में थे, साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई था, और इस कॉन्फिडेंस लेवल के सबसे ज्यादा हाई होने की वजह ये थी कि अभी एक साल पहले ही राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इसी जगह पर बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी। यही वजह था कि जंग शुरू होने से पहले राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की तरफ एक धमकी भरा खत रवाना किया। धमकी भरा खत पाकर मोहम्मद गौरी ने बड़ी चालाकी से तसल्ली भरा खत पृथ्वीराज चौहान को लिखा और कहा, चूंकि मेरा भाई सल्तनत का बादशाह है तो मैं उससे मशवरा करके जवाब दूंगा। ऐसे जवाब का पृथ्वीराज को और उसके करीबी को अंदाजा नहीं था, और उन्हें लगा कि उसकी इतनी बड़ी फौज के आगे मोहम्मद गौरी डर गया। जंग से ठीक एक रात पहले मोहम्मद गौरी ने जंग की तैयारी और तेज कर दिया, और उधर पृथ्वीराज की फौज ऐसा तसल्ली भरा जवाब सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि वो बिना जंग किए ही मोहम्मद गौरी से जंग जीत गए। मोहम्मद गौरी ने सूरज निकलते ही जंग का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा पृथ्वीराज की फौज अपने अपने खेमों में सो रही थी। जब तक उन्हें ये खबर
नंबर मिलता तब तक बहुत देर हो चुका था। यही वो वजह था कि शुरू शुरू में जो फुर्ती मोहम्मद गौरी की फौज में था वो राजा पृथ्वीराज चौहान के फौज में नहीं था, मगर इन सब के बावजूद मोहम्मद गौरी की फौज राजपूतों की फौज को शाम तक हराने में नाकामयाब साबित हुई। मगर दिन के सबसे आखिर वक्त में मोहम्मद गौरी ने अपने सबसे बड़ी चाल को इस्तेमाल करने का फैसला किया और वो चाल ये थी कि मोहम्मद गौरी ने जंग से पहले 12,000 ताजा दम फौजियों को अलग खड़ा कर रखा था ताकि आखिर में इसका इस्तेमाल किया जा सके। मोहम्मद गौरी की ये चालाकी बहुत ज्यादा कामयाब भी हुआ। दूसरी तरफ राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब ये देखा तो अपने हाथी से उतरने का फैसला किया। उधर उनका उतरना था कि इधर मोहम्मद गौरी के फौजियों ने उन्हें घेर लिया और पृथ्वीराज चौहान अपनी कुशल वीरता से उनसे लड़ाई लड़ने लगे। राजा पृथ्वीराज चौहान अकेले 8-8 फौजियों पर भारी थे, लेकिन घंटों की इस लड़ाई में राजा पृथ्वीराज चौहान थक चुके थे कि अचानक एक तेज तलवार की वार ने उन्हें जख्मी कर जमीन पर गिरा दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान अब मोहम्मद गौरी की कैद में थे और बाद में अजमेर लाकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा भी पृथ्वीराज चौहान की मौत से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं। बाद में पृथ्वीराज चौहान की पत्नी यानी संयोगिता भी अपने आप को आग के हवाले करके सती हो गई। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।